ऋषभ, तुम्हें इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए था। हाँ हाँ मेधा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस तरह अपना खून नहीं जलाना चाहिए था। और वैसे भी आजकल करण के पास और काम क्या है चीखने और चिल्लाने के अलावा? जैसे अपने ही जाल में कोई मकड़ी पहले छटपटाती है और फिर दम तोड़ देती है। हाँ मेधा, तुमने ठीक कहा, मुझे तैश में नहीं आना चाहिए था। ऋषभ, अगर तुम अपनी पूरी खुशी को अधूरी करके ना जियो तो कोई भी आदमी इस तरह के तुम्हारी खुशी मिटा नहीं सकता। अगर तुम जी भर के खुशी मनाते तो करण की बातों का तुम पर बिल्कुल असर नहीं होना चाहिए था। अमिता, तुम्हारी इन बातों की गहराई में आज से पहले कभी समझ नहीं पाया, लेकिन आज जब मैंने करण को इस तरह बौखलाते हुए देखा तो मुझे एक किस्म का सुकून महसूस हुआ। क्योंकि आज से पहले जब कभी मेरी और उसकी मुलाकात हुई है तो मेरा ही खून खौला है। एक कभी न उतरने वाला बुखार, एक कभी न जाने वाला सरदर्द। लेकिन मैं आज के बाद ये मेरा बुखार हमेशा हमेशा के लिए उतर गया है। बस अब मैं सिर्फ यही दुआ करती हूं कि करण कोई बुरा वक्त बनकर लौटना है। नहीं मेधा, अब तो उसका हर रास्ता कैदखाने की तरफ जाता है, और वापस तो वह तब लौटेगा जब उसे कालकोठरी से रिहाई मिलेगी। नहीं ऋषभ, अगर रंजना देवी ने उसे सजा से बचा नहीं लिया तो, अगर रंजना देवी के सीने में ममता ने जोर मार दिया तो वो करण को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी। मेधा, मेरा दिल कहता है कि इस बार मां करण को शय नहीं देगी। अगर ऐसा हुआ ना ऋषभ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कितनी सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो सच है मेधा। मेधा, जब करण हमारी जिंदगी में नहीं था तो मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन जब से करण हमारी जिंदगी में आया है तो थोड़े से सुकून के लिए मुझे हालात से भीख मांगनी पड़ी है। भटकता रहता हूं उस कस पर जमीन के लिए जहां चैन की सांस ले सकूं। लेकिन हर पल मेरी बेचैनी बढ़ती गई है। करण की साजिशें, रंजना देवी के आरोप, करण की बदनीयति, रंजना देवी के ममता का अंधापन, एक के बाद एक रिश्ते मुझसे किनारा करने लगे थे और मैं अकेला, बिल्कुल अकेला रह गया था। लेकिन मेधा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तो हो चुका है, सब गुजर चुका है, लेकिन आज तो ये माहौल है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिश्ते मेरे आसपास खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूं। बोलते जाओ ऋषभ, आज तुम्हारे चेहरे पर जो तसल्ली देख रही हो ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा इत्मीनान मिल रहा है। उम्मीदा, मेरी इस तसल्ली में तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आई? कैसी कमी? तुम्हारी कमी मेधा, तुम्हारी कमी।